तो देखो रियलमी एक ऐसे ट्रेन में बैठ चुका है जिसका कोई ब्रेक नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, रियलमी का 7 सीरीज आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए, मतलब 7 और 7 प्रो लॉन्च हुआ था, अब आने वाला है रियलमी का 7i। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फोन भी लिस्ट हो चुका है FCC सर्टिफिकेशन के अंदर, जिसका मॉडल नंबर निकल गया है RMX2103, जिसमें बहुत सारा स्पेसिफिकेशन लीक हो चुका है। तो वीडियो में बने रहना, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 7i के बारे में। तो पता नहीं रियलमी इतना कंफ्यूज क्यों है, अपने कस्टमर्स को क्यों कंफ्यूज कर रहा है नया नया फोन हर एक वीक हर एक मंथ में लॉन्च करके। तो रियलमी का 7i भी आने वाला है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है, किस प्राइसिंग में मिलेगा और कब तक भला मिल सकता है। तो चलो फिर शुरू करें। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हो हिस्ट्री, रियलमी का 6 और रियलमी का 6i दोनों फोन सिमिलर था, बस कैमरा में चेंजेस था। फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला है, डिज़ाइन पूरा सिमिलर होगा, 7 सीरीज के जैसा ही होगा 7i का, बस चेंजेस हल्का फुल्का होने वाला है चार्जिंग स्पीड में और कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर। तो फिर से आपको इसमें देखने को मिलने वाला है 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस वाला ही डिस्प्ले, जो एक IPS डिस्प्ले होगा। हो सकता है 90 हर्ट्ज इसमें मिल जाए, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन 6.5 इंचेस का डिस्प्ले होने वाला है फुल HD प्लस वाला IPS डिस्प्ले। तो बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर जो लीक हुआ है, 4980 mAh का बैटरी लीक हुआ है, मतलब 5000 mAh का आपको इसमें बैटरी देखने को मिलने वाला है, जो 18 वॉट का चार्जर के साथ में आने वाला है, मतलब 30 वॉट की चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करेगा, लेकिन 18 वॉट का चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा, 18 वॉट का चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह का निकल के आया है। बात करते हैं परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के अंदर, फिर से बताया जा रहा है आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, G95 ही मिलेगा, जैसा कि आपको 7 सीरीज मिला था ना, कुछ उसी की तरह का फिर से होने वाला है, G95 ही देखने को मिलेगा, कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं होने वाला है। तो बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर, सेम डिजाइन के साथ में आने वाला है रियलमी 7i, मतलब कैमरा का फॉर्मेट भी सेम होगा, डिजाइन भी सेम होने वाला है, लेकिन मेगापिक्सल्स आपको कम देखने को मिलेगा। तो 7i में आपको 48MP का क्वाड कैमरा मिल सकता है, जो 48MP का जो लेंस होगा ना, वो सोनी के सेंसर के साथ में आएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो 64MP का सोनी का लेंस आपको 7 मिला था, लेकिन बताया जा रहा है 7i में आपको 48MP का क्वाड कैमरा मिल सकता है, जो सोनी के सेंसर के साथ में आएगा, कुछ इस तरह का निकल के आया है। बात करें बेस रैम वेरिएंट के बाद, तो 4GB रैम 64GB का स्टोरेज आपको इसमें मिल जाएगा, साथ में 6GB रैम 128GB का भी स्टोरेज अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के ऊपर, तो ये फोन आपको 12 से लेकर 15 हज़ार के अराउंड देखने को मिल सकता है इंडिया में, रियलमी का 7i, जो बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर सकता है रेडमी के साथ में। तो जिस तरह का आने वाला है रियलमी का 7i, रियलमी इतने सारे फोन लॉन्च करके आम कंज्यूमर को कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं। तो कैसा लगा आपको ये फोन, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मेरा काम था बताना, आपका काम है सुनना, और लेना लेना है तो लेना, वरना आपकी मर्जी। तो जिस तरह का वीडियो निकल के है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, मेरे मेहनत को थोड़ा कंसिडर करो और बेल आइकन को भी टन से क्लिक कर दो। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, चल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।